यदि आपकी एज 50 साल की हो गई है, 50 साल के आसपास है, और उसके साथ साथ ही आपको अब देखने में दिक्कत आना शुरू हो गई है, विजन आपको लगता है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, और उसके वजह से जब आप आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं, आंखों के डॉक्टर ने आपको प्रॉपर चेकअप करके आपको बताते हैं कि आपको कैटरेक्ट हो गया है। कैटरेक्ट जिसे हम मोतियाबिंद भी कहते हैं, वो बोलते हैं कि आपको कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है एक या दोनों आंखों में, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का है, क्योंकि यदि आपको इस तरीके से समस्या से आपको सामना करना पड़ रहा है और आपको लगता है इनिशियल स्टेज है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें, क्योंकि होम्योपैथी में इस तरह की समस्या के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आज का वीडियो काफ़ी खास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी कैटरेक्ट के बारे में कि आखिर कैटरेक्ट क्या होता है, क्या इसके कारण होते हैं, किस वजह से डेवलप होता है यानी, और इसके साथ साथ होम्योपैथी द्वारा इसमें किस तरह से मदद मिल सकती है, क्या हेल्प कर सकती है होम्योपैथी, कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसके लेने से हो सकता है आपको जो आपकी सर्जरी है सर्जरी से आप बच जाएं। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगिड होम्योपैथी कंसल्टेंट एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आंखों से संबंधित मैंने पहले भी कई वीडियोस बनाए हैं जिसका कि आपको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। इसी कड़ी में मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कैटरेक्ट या मोतियाबिंद के बारे में एक जानकारी, क्योंकि आप सुनते तो बहुत हैं कैटरेक्ट के बारे में और सभी के घर में बुजुर्ग होते हैं, और आपको ये भी लगता है कि अब आपकी भी एज 50 साल के आसपास हो गई है, तो आपने भी कभी यह जो वर्ड है कैटरेक्ट है या आंखों से संबंधित आपके साथ में भी कुछ प्रॉब्लम आई होगी। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि आखिर कैटरेक्ट है वो होता क्या, आपकी आंख का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कहाँ पर ये कैटरेक्ट डेवलप होता है। आपकी जो आंख होती है, आंख जो होती है उसका जो आप काला घेरा जो ये देखेंगे बीच का, इसको बोलते हैं आयरिस, और इसके बीच में एक ब्लैक स्पॉट होता है छोटा सा, जिसको बोलते हैं बिल्कुल सेंटर पार्ट, जिसको बोलते हैं प्यूपिल। इसके पीछे की तरफ आपकी आंख में वो एक लेंस होता है, ये बाहर से आपको देखने से नहीं पता चलता है, अंदर की तरफ एक लेंस होता है। यह जो लेंस होता है, यह लेंस जब समय के साथ में डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो उसी कंडीशन में आपको देखने में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। बेसिकली क्या होता है कि ये जो लेंस होते हैं, ये लेंस प्रोटीन के और वाटर के बने हुए होते हैं, पानी के बने हुए होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ ही इसका जो ये जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन धीरे धीरे इसका डैमेज होना शुरू हो जाता है, और जो कि एज के साथ होने वाला एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस होता है, और उसके कारण आपका जब ये लेंस होता है, ये लेंस जब डैमेज होता है, इसमें से प्रोटीन निकलना शुरू होता है, तो वहाँ पर एक जो ये ऐसी कंडीशन होती है, उस कंडीशन में रफ होने के कारण रफनेस आ जाती है आपके लेंस में, और आपको देखने में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। यह जो कंडीशन होती है, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं कैटरेक्ट। यह कैटरेक्ट जो होता है, यह कैटरेक्ट जैसे मैंने बताया था किसी को भी डेवलप हो सकता है 50+ की आसपास की जो एज होती है उसमें, और महिलाओं को या पुरुषों को किसी में भी हो सकता है। इस कैटरेक्ट के बारे में अगर आगे बढ़े तो हम इसके सिम्टम की बात करते हैं, तो इसमें कौन कौन से ऐसे लक्षण देखने को मिलेंगे। इसमें जो सबसे कॉमन लक्षण है वो होता है कि आपको देखने में दिक्कत आएगी, देखने में आपको धुंधलापन महसूस होगा, विजन जो होता है आपका वो क्लियर नहीं होगा। इसके अलावा आपको जो आप चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा लगाने के बावजूद भी आपको कई दफ़े इसमें परेशानी आती है, आपके जो नंबर होते हैं नंबर बार बार बदलते हैं। उसके साथ साथ ही नज़दीक का जो विज़न होता है वो आपका ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपको जो कलर होते हैं, कलर आपके जैसे कोई भी कलरफुल ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे, उसके जो कलर होते हैं वो थोड़े से फीके फीके नज़र आएंगे। इसके अलावा आपको लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, आपको लाइट को तरफ आप जब देखते हैं तो आपको असहज महसूस करते हैं, देखने के लिए भी आपको काफ़ी रोशनी चाहिए। इसके अलावा जब आप रात के समय में आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कोई भी सामने से अगर मान लीजिए लाइट आ रही है, तो उसके चारों तरफ एक लाइट के सामने एक घेरा सा बन जाएगा, एक चमकीला घेरा जो आपको है वो देखेगा, जिसकी वजह से आपको गाड़ी चलाने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया था, आपका चश्मे का नंबर बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है। यह सारे जो सिम्टम होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आपको कैटरेक्ट या मोतियाबिंद की समस्या हो रही है। ऐसी कंडीशन में जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपका प्रॉपर एग्जामिन करते हैं आपके आंखों के डॉक्टर, और उसके सहायता से वो किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आपको कैटरेक्ट तो डेवलप नहीं हो रहा है। यह जो कंडीशन होती है दोस्तों, इस कंडीशन के कुछ मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से डेवलप होती है। तो इसमें जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है एजिंग। एज बढ़ने के साथ साथ यह एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आपको देखने को मिलती है। 50+ की जो एज होती है उसके बाद में धीरे धीरे इसमें कैटरेक्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है एक या दोनों आंखों में। दूसरा बड़ा कारण होता है वो होता है इंजरी। अगर आपको कभी कोई चोट लगी आपकी आंख पर, उसकी वजह से आपको कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। आपने कभी भी कोई भी लंबे समय से आप बीमार हैं, लंबी बीमारी की वजह से आपको कभी कोई लंबे समय तक स्टेरॉइड्स खाने पड़े, तो स्टेरॉइड्स के कारण आपको ये समस्या आ सकती है। इसके अलावा अगर आपको रेडिएशन का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है तो उसकी वजह से ये डेवलप हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपको
धूप में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, कोई आंखों के ऊपर आप कोई तरह का प्रोटेक्शन नहीं रखते हैं, तो उसकी वजह से आपको कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ है, आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता है, तो उसकी वजह से आपकी रिस्क बढ़ सकती है, आपको कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा एल्कोहल लेते हैं, तो उसके कारण भी आपको कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। या जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर अगर आसपास में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी आपको ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री है तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। यह इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से कैटरेक्ट या जो इस तरह से मोतिया डेवलप हो जाता है आपको। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। जब कभी भी आपको इस तरह की कंडीशन डेवलप हो जाती है, आप आंखों के डॉक्टर पास जाएंगे तो आपकी आंखों का प्रॉपर चेक करते हैं, आंखों का एग्जामिन करते हैं और वो पाते हैं कि आपको कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वो आपको जो आपकी आँख का जो लेंस होता है जो कि अब डैमेज हो रहा है, जहाँ पर कैटरेक्ट डेवलप हो गया, उस लेंस को हटा दिया जाता है और उसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल लेंस होता है, वो लेंस लगा दिया जाता है जिसको बोलते हैं स्यूडोप्लेकिया। ऐसी जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में जनरली आप आंखों के डॉक्टर पास जाएंगे तो आपको ये आपको एडवाइस दी जाती है और एक जो छोटा सा सर्जरी का जो एक प्रोसीजर होता है वो किया जाता है। लेकिन यदि आपकी इनिशियल स्टेज होती है और आप अगर इसमें होम्योपैथी लेते हैं तो होम्योपैथी इसमें आपकी काफ़ी हेल्प करती है, हो सकता है आप ऑपरेशन से बच जाएं। होम्योपैथी में इस तरह की कंडीशन के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। इसमें अगर कुछ खास खास मेडिसिन की हम बात करें तो इसमें एक इसमें जो सबसे पहले आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है वो एक है सल्फर, सल्फर 200 इसमें अक्सर काम में ली जाती है। जनरली मैं भी अपने पेशेंट्स के लिए इसमें काम में लेता हूँ जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। इसको 15 दिन में एक बार इसको रिपीट किया जाता है 3 मून डाइट जीप पर। मान लीजिए 1 तारीख को लिया तो वापस 15 तारीख को आपको रिपीट करना होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट मेडिसिन है सिनेरिया मार्टिमा, एक आई ड्रॉप होती है जो कि इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। और सिनेरिया मार्टिमा आई ड्रॉप को जनरली मैं WSI के इसमें अक्सर काम में लेता हूँ और इसको लेने का तरीका होता है 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर और शाम जिस आँख में आपको कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है या प्रॉब्लम है उसमें आपको इसमें आँख के अंदर डालना होता है। सिनेरिया मार्टिमा इसकी एक खास दवा, एक स्पेसिफिक दवा है जो कि आई ड्रॉप होती है, इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। इसमें भी 2 तरह की आती है, एक अल्कोहल बेस में आती है, एक अल्कोहल फ्री आती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो इसमें काम में ली जाती है वो है कैल्केरिया फ्लोर 6X। कैल्केरिया फ्लोर 6X भी इसकी एक खास दवा है, विशेष दवा है। कैल्केरिया फ्लोर 6X को लेने का तरीका होता है 4-4 गोली दिन में 3 बार सुबह दोपहर और शाम डायरेक्ट टंग पर इसको मुंह में अपना घुल जाती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है जो इस तरह की कंडीशन में काम में ली जाती है वो है साइलेशिया 30। साइलेशिया 30 भी इसके खास दवा है जिसके कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसको भी लेने का तरीका होता है 3-3 मून डाइट जी पर दिन में 3 बार सुबह दोपहर और शाम। इसके बाद में जो लास्ट में है एक और मेडिसिन है जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं वो है कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा 30 भी इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। इसको भी लेने का तरीका होता है 3-3 मून डाइट जी पर दिन में 3 बार सुबह दोपहर और शाम। ये इसकी कुछ खास दवाइयाँ होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि कैटरेक्ट में काम में ली जाती है आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग। इसलिए जब कभी भी आप कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लें हमेशा अपने होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह अनुसार लें तो बेहतर रहेगा, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी कैटरेक्ट के बारे में कि आखिर कैटरेक्ट क्या होता है, कहाँ डेवलप होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या इसके कारण होते हैं और इसका होम्योपैथी में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है। उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको पसंद आई और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।